तो आपको बता दें, वाराणसी में बीएचयू डॉक्टर की हड़ताल आज भी जारी है। जी हाँ, 5 दिन बीत चुके हैं और अभी तक यहाँ पर हड़ताल चल रही है डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स का ये कहना है, ये आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। डॉक्टर्स की माने तो पुलिस ने मारपीट के जिन आरोपियों को पकड़ा था उन्हें छोड़ दिया गया है। आक्रोशित रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संतोषजनक कार्रवाई ना होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। तो 5 दिन बीत चुके हैं, यानी कि 5वां दिन आज है और अभी तक हड़ताल खत्म नहीं हुई है। इसके साथ ही ये आरोप डॉक्टर्स की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो पुलिस कर्मी हैं, जो पुलिस प्रशासन, उन्होंने धोखा किया है डॉक्टर्स के साथ। जो आरोपी थे, जिन पर मारपीट का आरोप लगा था, उनको छोड़ दिया गया है। लोमस से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। लोमस, जो हड़ताल है उसको 5 दिन बीत चुके हैं, लगभग 5वां दिन आज है, और ऐसे में क्या कहा जाए, क्या समाधान कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है इस सिचुएशन का, क्योंकि अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जो आरोपी हैं उनको छोड़ दिया गया और पुलिस प्रशासन ने या फिर हॉस्पिटल प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है, या एफआईआर लिखवाने के नाम पर हो, या फिर जब आरोपी को पकड़ा गया था उसके बाद उनको पूरी तरीके से छोड़ दिया गया। आज क्योंकि 5वां दिन है हड़ताल का, जिसका सीधा खामियाजा कहीं ना कहीं जो मरीज पहुंच रहे हैं अस्पताल में, बीएचयू के अस्पताल में, उनको उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर हैं बात करने के लिए, लगातार वो पांचवें दिन भी हड़ताल पे हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आपकी लगातार बात हो रही है, अधिकारियों से बात हो रही है, जो हॉस्पिटल प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे बात हो रही है, क्या उनके तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, आज तक तो ऐसा ही था कि 5ों में से 3 पकड़ा लिए गए, गिरफ्तार हो चुके, लेकिन ये सब कुछ झूठा था प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से। सब हमें बस एक झूठा सब धोखा दिया गया है, क्योंकि जो पकड़ा गया ऐसा कुछ एफआईआर में जितनी भी 7 धाराएं लगेगी ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले जो बताया कि गिरफ्तारी हुई, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आज सुबह जब हमें पता चला कोर्ट में जाके कि ऐसा कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, और जो भी इसके बाद दूसरा एफआईआर दर्ज कराया गया जिसके अंदर कर सिर्फ 2 धाराएं लगाएगी, वो जिसके अंदर ऐसी धाराएं लगाएगी जिसमें कि नॉन बेलेबल से वो बेल लगा के तुरंत छोड़ दिए गए। बिल्कुल, आप सुन सकती हैं जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं डॉक्टर के तरफ से कि जो भी आरोपी पकड़े गए थे उनको पूछताछ करके छोड़ दिया गया, और पुलिस ये कह रही थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ कुछ और डॉक्टर हैं बात करने के, क्या आपकी हॉस्पिटल प्रशासन से बात हुई है? जी हाँ, अभी तक तो बात हुई थी तो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं। अभी भी वो अपने स्टैंड पे हैं कि हमको प्रेस किया जा रहा है कि हम दोबारा से अपने जो काम है उन पे वापस आ जाए, लेकिन जब उनका ये रवैया है कि हमारे तरफ की हमारे जो डिमांड्स है वो अभी तक कुछ भी फुलफिल नहीं की उन्होंने, और हमको लगातार प्रेस किया जा रहा है कि हम वापस काम को ज्वाइन करें। जब हमारी नहीं सुन पा रहे तो हम कैसे उनका वो कर बिल्कुल 72 घंटे का आपने टाइम भी दिया था, 72 घंटे भी पूरे हो चुके हैं, कहीं ना कहीं खामियाजा जो पेशेंट आ रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। हम डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर नहीं चाहते हैं कि मरीजों को भी इस तरह का परेशानी झेलना पड़े, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3-4 दिन से लगातार हम लोग धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं। इसके बावजूद अगर प्रशासन हमारी मांगे और जो हमारी कंसर्न है उसको अगर एड्रेस नहीं कर पा रही है तो हम कैसे अपने काम पर लौट सकते हैं? हम ये नहीं चाहेंगे कि कल जाए और फिर से हम मारपीट खाएं, पिटाई करें और हम अपने काम पर इस तरह करते रहे। तो हम कुछ महिला डॉक्टर भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के, यहाँ पे डटी हुई हैं, क्या कहा जा रहा है हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से? हॉस्पिटल प्रशासन तो हम लोगों को स्टार्टिंग से झूठे आश्वासन दे रहे हैं। आज जो बात सामने आई है कि उन लोगों को ये तक नहीं पता था कि वो बेल हो चुकी है उन लोगों की, झूठे उन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिए कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन सब झूठा था। उनसे क्या वो उम्मीद करें इसका? बिल्कुल, आगे क्या करना है, क्योंकि 72 घंटे का आपने जो समय दिया था वो भी पूरा हो गया, क्या आगे कदम उठाया जाएगा आप लोगों की तरफ से? हम पहले बात करेंगे दोबारा प्रशासन से, आपस में बात करेंगे और सुबह तक इमरजेंसी बंद कर देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं सीधा जो इफेक्ट पड़ेगा वो जो मरीज हैं उनको पड़ेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल से इमरजेंसी जितनी भी सेवाएं हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मांग वही है, सुरक्षा को लेकर के मांग है। जो आरोपी हैं उनको फिर से पकड़ा जाए और उनको लॉकअप में रखा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो मांग उठ रही है, जो सुरक्षा को लेकर के मांग उठ रही है, वो खासा यहाँ पर मरीजों को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि मरीज लगातार वो दूर दराज इलाकों से इफेक्ट करेगी और सीधे तौर पर मरीजों के लिए कहीं
कहीं ना कहीं परेशानियां और बढ़ती हुई नजर आएंगी। लोमा सर, फिलहाल क्योंकि डॉक्टर से कह रहे हैं कल से इमरजेंसी सेवाएं जो है वो भी पूरी तरीके से बंद कर दी जाएंगी, तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से, क्योंकि फिलहाल तो तालमेल बनता हुआ नजर यहां पर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई इंतजाम आप देख पा रहे हैं पहले से कि कल जो मरीज पहुंचेंगे, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं बंद होंगी तो जाहिर तौर पर उनके लिए काफी परेशानी हो जाएगी, कोई हल इसका फिलहाल कल के निकाल के रखा है सरकार ने? देखिए, फिलहाल हल की बात करें तो कोई भी हल नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चार दिन से मरीज प्रभावित हो रहे हैं और आज पांचवा दिन है, आज पांचवा दिन भी वही रहा। जब मरीज पहुंचते हैं अस्पताल तो उनको लगभग 100 पर्ची के बाद जो कहा जाता है कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अपने क्लिनिक में जरूर बैठेंगे, अपने चैम्बर्स में जरूर बैठेंगे, लेकिन वो 100 पर्ची के बाद नहीं देखते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं जो हमारे डॉक्टरों के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी कभी हो सकता है, हमारे साथ भी उस तरह की स्थिति बन सकती है, तो उसको लेकर हम 100 पर्ची के अलावा नहीं देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे। और क्योंकि कल इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी तो खासा दिक्कतों का सामना यहां पर जो मरीज आ रहे हैं उनको करना पड़ सकता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मरीजों के लिए परेशानी जो है वो और बढ़ती हुई फिलहाल तो यहां पर नजर आ रही है। बहरहाल किस तरीके से तालमेल बैठता है, हड़ताल कैसे खत्म होती है, कैसे रेजिडेंट डॉक्टर्स को यहां पर मनाया जाता है, ये बहरहाल आगे देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।